विकासखंड क्षेत्र के बेरी गांव में बने राजकीय कॉलेज की हालात इतने खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार चाहे लाख दावे कर, पर सरकारी स्कूल के भवन बदहाल है। मरम्मत नहीं होने से कई स्कूल के भवन जर्जर हो चुके हैं। ऐसी हालत में विद्यार्थियों का पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। इन सब के बावजूद शिक्षा विभाग आंखें मूंद कर तमाशा देख रहा है। क्षेत्र के बेरी ग्राम पंचायत में बना राजकीय हाई स्कूल विद्यालय के भवनों की हाल खराब है। कहीं बंद कमरों में मलबा बिखरा पड़ा है, छतों के सरिये निकले हुए हैं और जंग लगी हुई है। कक्षों की हालत खस्ता होने के कारण इन कक्षों को बंद करके खुले में पढ़ाने के लिए मजबूर अध्यापिका, इनकी अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। वहीं प्रधान अध्यापिका वैष्णवी गौड़ ने बताया कि विद्यालय की दीवारें कई दिनों से जर्जर हैं। बच्चों को जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करा रहे हैं। इस जर्जर भवन की जानकारी कई बार उच्च अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है और न ही स्कूल की मरम्मत की जा रही है। शौचालय टूट जाने पर होती है परेशानी। विद्यालय पर पढ़ने वाली छात्रा अनुप्रिया, नेहा, आरती आदि ने बताया कि विद्यालय पर शौचालय तो बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से गंदगी के साथ दरवाजा भी टूटा होने से हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट 20 अगस्त न्यूज़, हमीरपुर।